मैदान कोई भी हो, नेताओं की हुंकार लड़ाई को दिलचस्प बना देती है। पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में हर रोज जंग दिखाई दे रही है। जिस दिन बजट सत्र शुरू हुआ था, तभी समाजवादी पार्टी ने बता दिया था कि विधानसभा के अंदर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। आज जब अखिलेश यादव बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए, तो सपा के विधायकों ने टेबल थपथपाकर यह बता दिया कि अखिलेश की बातें सरकार को चुभने वाली होंगी। अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक योगी सरकार के बजट की खामियां गिनाई। उन्होंने बजट के एक एक पॉइंट पर विस्तार से अपनी बात कही। किसानों से शुरू हुई उनकी बात अयोध्या और गाय तक पहुंची, और सबसे चुभने वाला हमला रोजगार और विकास पर किया। उन्होंने योगी सरकार के पिछले कार्यकाल को लेकर भी कई चुभने वाले हमले किए। अखिलेश यादव ने भाजपा को फिर से संकल्प पत्र की याद दिलवाई। आरोप लगाया कि जिस तरह पिछली बार के संकल्प पत्र के वायदे पूरे नहीं किए, उसी तरह इस बार भी वायदों की अनदेखी की जा रही है। एक लाइन में कहा जाए तो अखिलेश ने इस बजट को सपने दिखाने वाला बजट बताया। इसके अलावा आज सदन में एक बार फिर शिवपाल यादव का नाम गूंजा। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भी सदन में मौजूद है और नेता सदन यानी सीएम योगी भी उनके नाम पर मुस्कुरा रहे हैं। विधानसभा में कैसे चुभने वाले वार पलटवार हुए, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है और कांग्रेस में क्यों राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर कलह शुरू हो गई। बात ज्ञानवापी के उस सबूत पर भी होगी जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव आज फुल फॉर्म में थे। बजट का हर पन्ना उनके हाथ में था और एक एक लाइन पर सरकार को चुभने वाली बातें कर रहे थे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है जिस पर जमकर घमासान दिखाई दिया। अखिलेश जब अपनी बात कह रहे तो सीएम समेत भाजपा का हर सदस्य उनकी बात को सुन रहा था, और जब अखिलेश की बातें खत्म हुई तो जवाब में सरकार की तरफ से भी वैसा ही चुभता हुआ पलटवार हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश बजट पर चर्चा करने की जगह समाजवादी व्यवस्था पर बात कर रहे थे। मेरी पीढ़ी को एक मसाल बन के चलना है, कोई बात नहीं। बजट पर सियासी बवाल, अखिलेश के चुभते सवाल। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। ये बजट नहीं बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। सदन में फिर गूंजा सैफई, अखिलेश का शेर वाला तंज। नेता सदन, जो शेर आप लेके गए हो उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों में, और नहीं खिलाए पिलाए तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर, ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। भाजपा के विधायकों को अखिलेश का समाजवाद ज्ञान, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है समाजवाद वो है, हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में और लोग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत हो, अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है, आप भी तो सोशलिस्ट हो। फुल फॉर्म में अखिलेश सरकार को स्मार्ट संदेश। कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लैपटॉप वाला निशाना, टैबलेट वाला तंज। और जो आपका बजट है इसमें नहीं है कुछ। अखिलेश का सरकार पर लोहिया वाला अटैक। उन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, नहीं कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दिया। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना, अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। विधानसभा से अखिलेश का सत्ता पर गोबर अटैक। अच्छा है, हम तो जहां जहां पढ़ाए जहां जहां सीखा है कुछ कुछ तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इम्प्लीमेंट करते हो। योगी के सामने अखिलेश के जुबानी शोले।
दिमाग तो चुभेगी। शनिवार को भी बजट सत्र चला था, ऐसे में कार्यवाही का आज सातवां